महाराष्ट्र में लगातार कुछ न कुछ अपडेट हो रहा है, कुछ न कुछ बदलाव हो रहा है। संजय राउत जेल में बंद हैं, नवाब मलिक भी जेल के अंदर हैं, कई लोग और भी जेल के अंदर बंद हैं, कई हाई प्रोफाइल लोग हैं, लेकिन इस बीच कई लोगों को जेल के अंदर डालने वाले, पहुंचाने वाले एनसीबी के सुपर कॉप समीर वानखेड़े की एक बार फिर से मुंबई में वापसी की खबर आ रही है दोस्तों। जी हाँ, खुश हो जाइए, वही समीर वानखेड़े जिन्होंने पूरे बॉलीवुड की लंका लगा दी थी, नवाब मलिक को कहीं का नहीं छोड़ा था और यहाँ तक कि कई लोगों को अपने रडार पर रख लिया था, उन्हीं समीर वानखेड़े के वापस आने की खबर है। और यही नहीं, वानखेड़े के खिलाफ जांच करने वाले एनसीबी अधिकारी को मुंबई से, महाराष्ट्र से और यहां तक कि गोवा से भी हटा दिया गया है। तो क्या है पूरा मामला, क्या है अपडेट, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट करके इस पूरे डेवलपमेंट पर अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो समीर वानखेड़े वो अधिकारी हैं जिनसे बड़े बड़े कांप रहे थे मुंबई में और महाराष्ट्र में, उन्होंने बड़ी कैंपेन चलाई और यहां तक कि कई बड़े नामचीन लोगों को जेल के अंदर डाल दिया, कई बॉलीवुडियों से पूछताछ की क्योंकि उन्होंने गलतियां की थी। लेकिन अचानक समीर वानखेड़े का चेन्नई ट्रांसफर हो गया, मुंबई में नए एनसीबी अधिकारी की एंट्री हुई और अब उसी मुंबई के एनसीबी अधिकारी ज्ञानेश्वर सिंह को मुंबई से हटा दिया गया है। जी हाँ, ज्ञानेश्वर सिंह ने ही समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच की थी और अब सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि वानखेड़े के खिलाफ जांच करने वाले ज्ञानेश्वर सिंह का नॉर्थ इंडिया यानी कि दिल्ली पंजाब जोन में तबादला हो गया है। मुंबई से, महाराष्ट्र से और गोवा से ज्ञानेश्वर को अलग कर दिया गया है, हटा दिया गया है। जी हाँ, समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच करने वाले ज्ञानेश्वर सिंह को यहाँ से दूर किया गया है, दिल्ली जोन भेजा गया है। आगे देखिए, अब ज्ञानेश्वर सिंह के जाते ही मुंबई में एनसीबी जोनल चीफ की जगह खाली हो गई और सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी या कहें कि सबसे बड़ी खबर ये भी आ गई कि समीर वानखेड़े की इस पर वापसी होने जा रही है। जी हाँ, समीर वानखेड़े की मुंबई में बतौर एनसीबी जोनल हेड एक बार फिर से वापसी होने जा रही है और खबर सूत्रों के हवाले से आ गई है और बताया जा रहा है कि अगले एक या फिर दो हफ्ते में समीर वानखेड़े की मुंबई में ज्वाइनिंग भी हो सकती है। अब जैसे ही यह खबर मुंबई तक पहुंची, मुंबई में आसपास पहुंची, बॉलीवुड के गलियारों में पहुंची या कहें कि नवाब मलिक जैसों के आसपास पहुंची तो पूरी तरह से आग की तरह फैल गई। कई लोग हैं जो कि समीर वानखेड़े के जाने से राहत की सांस ले रहे थे, राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन अब समीर वानखेड़े की वापसी से उनके हाथ पैर फूल गए हैं और उनमें सबसे बड़ा नाम है रिया चक्रवर्ती का, नवाब मलिक का और पूरा बॉलीवुड शामिल है जिसमें कई लोगों से पूछताछ हुई थी, कई लोगों को जांच की आंच का सामना करना पड़ा था, कई लोग जेल भी गए थे और यहां तक कि अरमान कोहली तो करीब करीब 8-9 महीने जेल में रहे थे। अब कई लोगों से एक बार फिर यहां पर पूछताछ हो सकती है, कई लोग एक बार फिर से मुश्किल में आ सकते हैं क्योंकि यहां तो समीर वानखेड़े के साथ संजय राउत के करीबी दोस्त माने जाने वाले नवाब मलिक की सीधी लड़ाई है और खुद संजय राउत भी इस मामले में कहीं न कहीं फंसे हुए हो सकते हैं जिनके खिलाफ आगे कार्रवाई हो सकती है। लेकिन सीधी तूतू मैमे यहाँ पर नवाब मलिक के साथ हुई थी और अब वानखेड़े की वापसी से उनकी यानी कि नवाब मलिक की संजय राउत की हालत खराब हो गई है। जी हाँ, नवाब मलिक, संजय राउत समेत तमाम लोगों की मुश्किलें बढ़ना शुरू हो गई हैं क्योंकि यहाँ तो एक तरफ ईडी की मुश्किलों से ही राहत नहीं मिली है और समीर वानखेड़े ने आकर नवाब मलिक की, संजय राउत की हालत और ज्यादा खराब करनी है, उनके लिए मुश्किलें बढ़ा देनी है। तो कुल मिलाकर सूत्रों के हवाले से खबर यही है कि समीर वानखेड़े की मुंबई में वापसी हो रही है जिसके बाद राउत, नवाब मलिक, रिया चक्रवर्ती जैसे कईयों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तो आपका इस पूरे अपडेट पर, समीर वानखेड़े की वापसी पर क्या कहना है? बॉलीवुड के लिए ये कितनी बड़ी मुश्किल है, संजय राउत, नवाब मलिक के लिए ये कितनी बड़ी मुश्किल है, कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो सबका समय कहां एक जैसा रहता है, राजा को रंक बनते देर नहीं लगती, कर्मों के फल मिलते हैं, ये सब कहावतें इस वक्त नवाब मलिक पर बिल्कुल सटीक बैठ रही हैं दोस्तों। जो नवाब मलिक हमेशा नौकरों से घिरे रहते थे, ऐशो आराम की जिंदगी बिताते थे और महाराष्ट्र के मुखिया बनकर रहते थे, उन्हीं नवाब मलिक को लेकर बड़ी नहीं बल्कि बहुत बड़ी और हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। जी हाँ, एनसीपी नेता नवाब मलिक को लेकर आ रही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाब मलिक पूरी तरह कंगाल हो चुके हैं, मलिक का दिवालिया निकल गया है जिसकी वजह से मलिक इतनी बुरी स्थिति में आ गए हैं कि उनके सभी वकीलों तक ने मुंह फेर लिया है क्योंकि मलिक के पास वकीलों की फीस चुकाने तक के पैसे नहीं बचे हैं। तो क्या है पूरा मामला, मलिक की कंगाली की असल कहानी क्या है और क्या 2 नवंबर को जमानत की अर्जी पर सुनवाई के लिए नवाब मलिक बिना वकील के ही कोर्ट पहुंचेंगे, आपको बताते हैं सब।
आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और नवाब मलिक की इस हालत पर कमेंट में अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो नवाब मलिक को कौन नहीं जानता, राजनीति से लेकर मुंबई ही क्या पूरे महाराष्ट्र में मलिक का सिक्का चला करता था। बड़े से बड़ा आदमी भी मलिक को सलाम ठोकता था, मगर जब से नवाब मलिक खुद ईडी के जाल में फंसे हैं, उलझे हैं, तब से सब कुछ उलट गया है, सारी तस्वीर पलट गई है। कैबिनेट मंत्री से अब कंगाल बनने के दिन शुरू हो चुके हैं। तो मलिक के समर्थकों को भले ही ये खबर और ये बात अच्छी ना लगे, मगर जो अपडेट मिल रही है उसके मुताबिक नवाब मलिक पूरी तरह से कंगाल हो चुके हैं। उनकी ज्यादातर प्रॉपर्टी पैसे भी ईडी सील कर चुकी है और मलिक समेत उनके परिवार के सदस्यों के बैंक अकाउंट भी पिछले 8 महीनों से फ्रीज पड़े हैं। जब तक जांच चलेगी तब तक ये अकाउंट्स फ्रीज ही रह सकते हैं, क्योंकि मलिक पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। ऐसे में सबसे पहले जांच टीम ने मलिक और उनके परिवार के तमाम लोगों के बैंक अकाउंट्स को सील कर रखा है, यानी वो फ्रीज अकाउंट से न पैसा निकाल सकते हैं और न ही डाल सकते हैं। खबरों की माने तो नवाब मलिक की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि मलिक के पास वकीलों की फीस देने तक के पैसे नहीं है। और ये सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि जब से मलिक को गिरफ्तार किया गया था तब से ही मलिक का बुरा दौर और कंगाली का दौर शुरू हो गया था। मुंबई से एक बड़े मराठी अखबार की माने तो नवाब मलिक की हालत ऐसी हो गई है कि वो खुद को दिवालिया घोषित कर दें तो कोई बड़ी बात नहीं है। मलिक को 23 फरवरी 2022 को गिरफ्तार किया गया था और उस बात को अब 8 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। इसी बीच वकीलों की महंगी महंगी फीस और खुद मलिक मई के महीने से प्राइवेट अस्पताल में इलाज ले रहे हैं, जहां सिक्योरिटी और इलाज का खर्चा खुद मलिक को उठाना पड़ रहा है। यानी कि 5 महीनों से मलिक लगातार महंगे प्राइवेट हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम में इलाज ले रहे हैं, जिसमें कितना अनगिनत पैसा अब तक लग चुका है इसका हिसाब खुद मलिक को भी नहीं होगा। खबर तो ये भी है कि अस्पताल का बिल भी लाखों में जा चुका है, जिसे भी अभी तक चुकाया नहीं गया है, जिसके चलते अस्पताल भी मलिक के इलाज के लिए कभी भी मना कर सकता है, मलिक के इलाज से हाथ खड़े कर सकता है। अब सबसे बड़ी परेशानी की बात ये सामने आ रही है कि बाहर से मलिक की मदद कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि हर किसी को अपनी अपनी जान प्यारी है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में कहीं से भी पैसा आया तो ईडी की नजरों में आने का खौफ है। वहीं मलिक की बेटियां अब तक जैसे तैसे पैसों का इंतजाम कर रही थीं, मगर मलिक की बेटियों ने भी अब हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि मलिक की बड़ी बेटी नीलोफर मलिक के पति तो पहले से ही एनसीपी की जांच की जद में हैं, और मलिक की बेटी और दामाद समीर खान के अकाउंट पहले से ही एनसीपी की तरफ से सील किए गए हैं। तो मलिक की बेटी चाह कर भी अपने पिता की मदद करने में असमर्थ है। अब सामने आया कि नवाब मलिक की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि मलिक के पास अपना केस लड़ रहे वकीलों की फीस देने तक के पैसे नहीं है। मलिक ने अब तक ऐसे ऐसे महंगे वकीलों को हायर किया था जिनकी एक एक सुनवाई की फीस 10-10 लाख रुपए थी, मगर अब मलिक की हालत देख मुंबई के तकरीबन सभी वकीलों ने मलिक के केस को लड़ने से मना कर दिया है। अब मलिक और उनके परिवार के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि 2 नवंबर को मलिक के केस की सुनवाई होनी है, और 2 नवंबर की सुनवाई के लिए मलिक के पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो किसी अच्छे वकील को हायर कर सकें। तो कुल मिलाकर नवाब मलिक जब से जेल में बंद हैं, तब से उनकी आर्थिक स्थिति खराब और ज्यादा खराब होती चली गई है।